हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे चिकन हॉट एंड सार सूप। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम्स चिकन लिया है, विद बोन्स है ये। आप बोनलेस पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोन्स के साथ इसको बनाएंगे तो इसके ज़्यादा फायदे होंगे, बिकॉज काफ़ी अर्क उतरता है बोन्स में से भी और ये काफ़ी हेल्दी सूप बनकर तैयार होगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, कैरेट्स लिया है, कैबेज लिया है और स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन्स एंड व्हाइट लिया है। आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, इससे ये सूप और भी ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगा। एक एग मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। स्पाइसेस में मैंने 1/2 टीस्पून पेपर यूज़ किया है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एज पर अस टेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। सूप बॉयल करते वक्त हमने ये यूज़ करना है। और गार्लिक मैंने यहाँ पर लिया है 6 to 7, जिसको मैंने इसे बारीक क्रश कर लिया है। एक हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने फाइन एकदम चॉप कर लिया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो। इसके अलावा सॉसेज में विनेगर हम यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस यूज़ करेंगे, डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून, अगर आप लाइट सोया सॉस यूज़ करें तो 1 टेबल स्पून यूज़ कर लें, और टमाटो केचप में यूज़ करूँगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से चिकन हॉट एंड सार सूप। तो यहाँ पर मैंने ये वाटर उबलने के लिए रख दिया है, ये ऑलमोस्ट 1.5 लीटर है और इसमें मैं ये चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे इसमें। जो वेजिटेबल्स मैंने लिए थे उसी में से मैंने थोड़े से वेजिटेबल्स निकाल लिए थे, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है ताकि इसका भी फ्लेवर जो है वो सूप में आ जाए। और इसमें हमने जिंजर एंड गार्लिक ऐड कर देना है थोड़ा सा। अगर आपके पास स्टॉक क्यूब्स है चिकन के तो आप वो ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है ये। और ये थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और इसको हम कवर करके तब तक कुक कर लेंगे जब तक चिकन जो है वो बिल्कुल ही टेंडर नहीं हो जाता है। इसमें ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स, आप चाहे तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए उबाल लिया है और ऑलमोस्ट ये रिड्यूस भी हो चुका है, इसका 1/3 हिस्सा, और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम ड्रेन कर लेंगे, स्टॉक अलग कर लेंगे और चिकन को हमने अच्छी तरह से श्रेड कर लेना है। चिकन के पीसेस को अलग कर लेते हैं इसमें से, कि वेजिटेबल्स को चाहे तो आप यूज़ कर लें या तो आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को मैश करके ऐड कर सकते हैं आप। तो चिकन के पीसेस को मैं अलग कर रही हूँ अभी और इसको अब हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चिकन को मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके श्रेड कर लिया है और एक अंडा जो मैंने लिया था उसको मैंने अच्छी तरह से फोक से बीट कर लिया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ व्हाइट पार्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों यूज़ किया है। और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, जिसको मैंने 1/4 कप वाटर में घोल कर यहाँ पर रख दिया है। तो ये प्रिपरेशंस मैंने कर लिए हैं, अब चलिए सूप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें चिलीज ऐड कर देंगे, गार्लिक ये भी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। गैस का फ्लेम लो ही कर देना है हमने और अब हमने इसमें स्टॉक ऐड कर देना है। तो ये जो सारा स्टॉक मैंने प्रिपेयर किया था वो मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है, जो बॉयल एंड श्रेडेड चिकन मैंने लिया है वो सारा चिकन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है हमने। तो ये देखिए, सूप में अच्छी तरह से बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है और अब हमने इसमें वेजीज ऐड कर देनी है। तो जो मैंने यहाँ पर कैबेज लिया है वो मैं ऐड कर रही हूँ इस वक्त, कैरेट्स ये भी सारा ऐड कर देंगे, और स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन्स एंड वाइट्स, पेपर ऐड कर देंगे एज पर एज टेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। हमने चिकन को बॉईल करते वक्त सॉल्ट ऐड किया था तो अंदाजे से ऐड करेंगे, बिकॉज सारे सॉसेस जो हम इसमें ऐड करेंगे उसमें भी सॉल्ट होता है, तो आपने अंदाजे से ऐड कर लेना है। टोमेटो केचप ये ऐड कर रही हूँ मैं, सोया सॉस ये हम ऐड कर देंगे, रेड चिली सॉस ये भी हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के आसपास, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है इस वक्त,
विनेगर ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है। तो ये जो कॉर्नफ्लावर का घोल मैंने बनाया है इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, बिकॉज कॉर्नफ्लावर की टेंडेंसी होती है ये नीचे जाकर बैठ जाता है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी से थिकनिंग आएगी सूप में, तो थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाना है। थोड़ा सा गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि कॉर्नफ्लावर इसमें अच्छी तरह से डिजोल्व होकर कुक हो जाए और ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए सूप। ये जो एग लिया था मैंने, अरे इसमें मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको ऐड करना है। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसको ऐड करेंगे ऊपर से और इसको इस तरह से चलाते हुए हमने कुक कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है और अच्छी तरह से थिक भी हो गया है, ये देखिए। तो रेडी है चिकन हॉट एंड सार सूप। चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है चिकन हॉट एंड सार सूप। और ये सूप लग रहा है बहुत ही टेम्पटिंग। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी सॉसेस ऐड करके उसको अपने फ्लेवर के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।